बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की दिव्य कथा के इस तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हनुमान जी ने सीता का पता लगा लिया था और सीता जी से उनकी पूरी बातचीत सब कुछ हो गई थी। सीता जी ने भी अपनी व्यथा सुनाई थी और अब हनुमान जी ने क्या कहा, माता मैंने कहा था ना कि भगवान मेरी बात सुनते ही चल पड़ेंगे, परंतु उनके आने की क्या आवश्यकता है, मैं आज ही आपको इस दुख से मुक्त करता हूँ। आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको लेके समुद्र लांग चल के चला जाऊंगा। जैसे अग्नि हवन किए हुए भविष्य को तत्काल इंद्र के पास पहुंचा देता है, वैसे मैं आपको तत्काल प्रवर्षण गिरी पर जहाँ भगवान श्री राम विराजमान हैं उनके पास पहुंचा देता हूँ। और भगवान की कृपा से न केवल आपको बल्कि रावण के साथ सारी लंका को भी मैं ढोके ले जा सकता हूँ। अब देर मत कीजिए, जब मैं आपको लेकर चलूंगा तब कोई भी राक्षस मेरा पीछा या सामना नहीं कर सकेगा। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, वाह तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, तुम मुझे ले चलने का साहस कैसे कर रहे हो? क्योंकि हनुमान जी उस वक्त अपने लघु रूप में थे। हनुमान जी ने सीता जी को अपना विराट रौद्र रूप दिखाया, वे बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान हो गए। बोलो बजरंग बली की जय। सीता जी से कहा, देवी ये देखिए कनक भूधराकार शरीरा। बोले, माता आप देर मत करो, कहो तो राक्षसों के साथ लंका को भी ले चलूं, आप कहें तो राक्षसों को मार के लंका को ले चलूं। निश्चय कर लो और चल के राम और लक्ष्मण को सुखी करो। माता जानकी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा बल जान गई, तुम वायु और अग्नि के समान प्रतापशाली हो, तुम मुझे ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे साथ जाना मेरा ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे तीव्र वेग से बेहोश मूर्छित हो सकती हूँ और गिर भी सकती हूँ। राक्षसों से तुम्हें बड़ी लड़ाई करना पड़ेगी और मेरे पीठ पर रहने से तुम्हें बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अब युद्ध की बात है, पता नहीं तुम जीतोगे या वे जीतेंगे, तुम भी जीत सकते हो, परंतु इससे भगवान का यश नहीं बढ़ता। और मेरे इस प्रकार जाने से बहुत से लोग सोचेंगे कि हनुमान अपनी पीठ पर किसको लिए जा रहे हैं, और एक ही पल के लिए सही, लेकिन उन्हें हमारे चरित्र पर भी शंका हो सकती है। सीता जी ने और भी बहुत से कारण बताते हुए कहा, पति भक्ति की दृष्टि से मैं स्वेच्छापूर्वक तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर सकती। रावण ने मेरा शरीर छू लिया था, वो तो विवशता की बात थी, मैं असमर्थ थी, क्या करती। जब राम यहां आकर राक्षसों के साथ रावण को मारेंगे तभी मैं उनके साथ चलूंगी, और यही उनके लिए भी एक राजा के लिए योग्य होगा। हनुमान जी ने सीता जी की बातों का हाथ जोड़कर सम्मान किया और प्रशंसा की। सीता जी ने कहा, बेटा तुम्हारी भक्ति, भगवान पर विश्वास और तुम्हारा बल पारुष देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सबसे बड़े बलवान, शीलवान, अजर, अमर और गुणी होंगे। भगवान सर्वदा तुम पर स्नेह रखेंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। भगवान सर्वदा स्नेह रखेंगे, यह सुनकर हनुमान पुलकित हो गए। और क्या चाहिए था, जीवन का परम लाभ तो यही है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोघ कहकर धन्यवाद दिया। माता के दर्शन होने के बाद हनुमान ने सोचा कि अब तो राम रावण का युद्ध होना तय है, पर यह किला बड़ा मजबूत है, चार दीवार इतनी सुरक्षित है, उसके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे कि सहज में तो जीतना बड़ा मुश्किल है, इसे तोड़े बिना हमारे आक्रमण का मार्ग नहीं खुल सकता। परंतु इसे कैसे तोड़ा जाए, ये भी एक प्रश्न है। अच्छा, मैं तो वानर हूँ, फल तोड़ के खा सकता हूँ, क्योंकि अब भगवान का काम तो हो चुका है,
मैं वृक्षों के कुछ डाल पात तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन दुष्टों को उत्तेजित करने का यही एक मार्ग है। और सीता माता से कहा कि माँ, मैं तो अतिशय भूखा हूँ, भूख लग रही है, आप अनुमति देते हो कुछ खा पी लूँ। बुद्धि और बल देखकर माता ने अनुमति दे दी। बस हनुमान जी ने उछल कूद करना आरंभ किया, तमाम वृक्ष नष्ट कर दिए, बागवान को खदेड़ दिया, तमाम राक्षस धूल में मिल गए। अक्षय कुमार आए तो एक ही हड्डी, एक ही घूंसे में हड्डी पसली चूर चूर हो गई, लंका में तहलका मच गया। रावण पहले तो खुद ही आ रहा था, लेकिन फिर मेघनाथ ने रोक दिया कि भैया आप रहन दो, मैं जाता हूँ ना। लेकिन हनुमान के प्रहारों से उसके प्राणों के लाले पड़ गए और उसने घबरा कर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का। देखिए, ब्रह्मा जी के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से मुक्त थे, परंतु उन्हें सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी महानता और कितनी बड़ी बुद्धि का काम, कितना बड़ा विवेक ऐसे समय पर जब युद्ध हो रहा है। परंतु उन्होंने ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहा और रावण की सभा में चल के भगवान की महिमा सुनाना चाहा कि राक्षस सुन के भयभीत हो जाए, और वे स्वयं ही ब्रह्मपाश में बंध गए। सभा में पहुंचे, बांध बूंद के रावण को सभा में ले गए। वहां जाते जाते बंधन उनके शरीर से छूटकर गिर गया था। हनुमान जी ने देखा कि रावण की सभा में तो बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, सूर्य का प्रकाश मंद है, वायु पंखा जल रहा है, अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब रावण के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान निशंक खड़े थे। रावण ने उन्हें इस प्रकार अविनित देख कर न जाने क्या सोचा और ठहाका मार कर हंसने लगा। परंतु दूसरे ही पल उन्हें अपने पुत्र अक्षय कुमार की याद आई। उन्होंने डांट के कहा, तो कौन है, किसके बल पर तूने ऐसा उत्पात मचा रखा है, क्या मुझे नहीं जानता, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं। हनुमान जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, रावण जो संपूर्ण प्रकृति के आश्रय हैं, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते और नष्ट रहते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना काम करते हैं, जिसकी कृपा लेश से शेष नाग तक पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होते हैं, जो तुम्हारे जैसे राक्षसों को दंड देने के लिए ही अवतरित हुए हैं, मैं उन भगवान राम का दूत हूं, क्या तुम इन्हें नहीं जानते। अरे जनक के धनुष यज्ञ में जो धनुष तुमसे हिल नहीं पाया था, उसे तिनके की भाग धाति तोड़ देने वाले को तुम भूल गए। खर दूषण त्रिशिरा को 14,000 सेना के साथ अकेले मारने वाले को तुम नहीं जानते। तुम्हें अपनी कांख में दबा कर रखने वाले बाली को, जिन्होंने एक ही बाण से मार डाला, क्या तुम उसे नहीं जानते। रावण, तुम उन्हें भूल सकते हो, परंतु वे तुम्हें नहीं भूल सकते, जिनकी अनुपस्थिति में भेष बदल कर धोखा देकर जिनकी धर्म पत्नी को तुम चुरा लाए हो, उन्हें भूल कर भी तुम बच नहीं सकते। मैं उन्हीं का दूत हूं, मुझे अच्छी तरह पहचान लो, अब देर नहीं है, उनके बाणों से लंका वीरान हो जाएगी, इन तुम्हारे सभासदों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। हनुमान जी की निर्भीक वाणी सुनकर राक्षस कांपने लगे, उनके मन में भय बैठ गया, जिसके कारण वे युद्ध में भी वीरता के साथ राम का सामना नहीं कर सके थे। देवता लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए। रावण ने हनुमान की बात की उपेक्षा कर दी थी। हनुमान ने पुनः कहा, भूख लगने पर फल खाकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अरे पेड़ का पत्ता तोड़ना तो मानव का स्वभाव है, और जिन दुष्टों ने मुझे मारा है तो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मैंने भी प्रहार किया। ज्यादती तो तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे पुत्रों ने की, और मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उन्हें माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। एक बात सुनो, मैं हाथ जोड़कर प्रेम से कहता हूँ, सच्चे हृदय से तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, भाई रावण, जो काल सारी दुनिया को निगल जाता है,
वह उनसे भयभीत रहता है, वो उनके अधीन रहता है, उनसे बैर करके तुम बच नहीं सकते। तुम जानकी को ले चलो, परम कृपालु भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, वे शरणागत के सब अपराध भूल जाते हैं। तुम उनके चरणों का ध्यान करो और लंका का निष्कंटक राज भोगो। तुम बड़े कुलीन हो, तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, त्रिकालदर्शी हो, बल भी तुम्हारे पास पर्याप्त है, उसे पाकर अभिमान मत करो कि चार दिन की चांदनी है। चलो भगवान की शरण में चलो, और मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि राम से विमुख होने पर तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रदा त्याग हो तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। चलो मेरे साथ। यद्यपि हनुमान जी ने बहुत हितकारी बातें कही थी, लेकिन रावण को अच्छी नहीं लगी। उसने राक्षसों को आज्ञा दी कि मार डालो इस वानर को। अचानक विभीषण बीच में आ गए और उन्होंने कहा, प्रभु बड़े भैया, ये राम का दूत है, इसे मारना अन्याय है। उन्होंने कहा अच्छा। तो दूसरे लोगों ने सलाह दी कि ऐसा करो, इसके हाथ पांव काट दो, अंग भंग कर दो। लेकिन फिर निर्णय हुआ कि वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, और रावण ने कहा कि पूंछ को ही आग लगा दो। अब पूंछ को कपड़े में लपेटा जाने लगा, तेल से भिगोया, आग लगा दी। 10-20 राक्षस पकड़ के नगर में घुमाने लगे, बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। हनुमान जी ने लंका ध्वंस करने का यही सुंदर अवसर समझा। उन्होंने अपनी पूंछ से एक झटका लगाया और सारे राक्षस अपने अपने प्राण बचाकर भागे, और उछल कर एक महल से दूसरे महल पर जाकर सबको भस्म करने लगे। इस कार्य में वायुदेव ने उनकी सहायता की। अग्नि ने अपने मित्र वायु के पुत्र के कार्य में हाथ बटाया और लंका धू 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 करके जलने लगी। बहुत से यंत्र नष्ट कर दिए, धोखा देने के स्थान भस्म कर दिए, लेकिन सोने की लंका अब तक जली नहीं थी। जबकि सारे नगरों में हाहाकार मचा था, सब अपनी अपनी सामग्री, बाल बच्चे और स्त्री वृद्धों को लेकर भाग रहे थे, तथापि लंका जलने के समय भी चमक रही थी। लंका की एक काल कोठरी में शनि देवता कैद थे। दोनों बातें कही जाती है कि रावण ने शनि देवता को अपने पांव के नीचे दबा रखा था। दोनों बातें आती हैं, परंतु कुछ वर्णन इस प्रकार का भी है कि लंका की एक काल कोठरी में शनि महाराज को रावण ने कैद कर रखा था, और हनुमान जी का पांव उस दीवार पर लगा और वो टूट गई। शनि महाराज ने हनुमान जी से पूछ के सारी बातें जान ली, पर एक निगाह से लंका की ओर देखा। हम आप सब जानते हैं कि जब शनि देव की दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है। एकमात्र विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका जलकर राख की ढेरी हो गई। हनुमान जी को वरदान दिया और बताया कि अब लंका का सत्यानाश निश्चित है, निकट है। शनि महाराज पाश मुक्त होकर हनुमान जी का आभार जताकर चले गए। इसीलिए जब शनि महाराज की कुदृष्टि होती है, साढ़े साथी या ढैया होती है, तो हनुमान जी का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। शनि देव को मुक्त करके हनुमान ने देखा कि सारी लंका ध्वस्त हो गई है और अब कहीं भी मोर्चों पर कोई खतरनाक बात नहीं है। तब समुद्र में कूद पड़े, स्नान करके फिर सीता जी के पास आए। माता ने भी उन्हें चूड़ामणि दिया और शीघ्र ही अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए कहा। प्रणाम करके माता को घोर गर्जना करते हुए हनुमान जी ने यात्रा आरंभ की। बोलो बजरंग बली की जय। उधर
समुद्र किनारे जाम्बवान अंगद तमाम वानर सेना बिना खाए पिए एक पांव पर खड़े रहकर हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी किलकारी सुनते ही सबने कार्य सिद्धि का अनुमान कर लिया और आगे बढ़ गले से लगाया। खाते पीते सभी भगवान राम के पास पहुंचे। हनुमान जी ने बड़े ही करुण शब्दों में सीता माता की दशा का वर्णन किया। लंका के ऐश्वर्य, रावण की शक्ति और वहां की एक एक बात भगवान से बताई। भगवान से कहा, हनुमान तुम्हारे समान उपकारी संसार में कोई नहीं है, मैं तुम्हें क्या बदला दूं? मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान की ये बात सुनते ही हनुमान व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। भगवान ये तो सब आप ही का प्रताप है। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और अपनी अनन्य शक्ति और भक्ति का वरदान दिया। और भगवान शंकर की अभिलाषा पूर्ण हुई जिसके लिए वे हनुमान बने थे और वो कार्य भी पूरा हुआ। हनुमान जी के जीवन में विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे इन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की शरण में पहुंचा ही दिया। इसीलिए आप जानते हैं कि हनुमान राम जी का जहाँ भी मंदिर होता है हनुमान जी का पहरा रहता है, चरणों में बैठे रहते हैं। उनसे मिले बिना कोई भी भगवान से नहीं मिल सकता। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लंका में विभीषण इनसे मिले, इनके संसर्ग और आलाप से इतने प्रभावित हुए कि रावण की भरी सभा में उन्होंने हनुमान जी का पक्ष लिया। और रावण ने जब उनका अपमान किया तो वे छोड़कर भगवान राम की शरण में आ गए। और उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत रक्षा के प्रण की घोषणा की, तब इन्हें कितना आनंद हुआ यह कहा ही नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में आने वालों की सहायता। समुद्र बंधन हुआ, हनुमान जी बहुत सारे पहाड़ ले आए, गिनती भी नहीं की जा सकती। नल और नील जिनके पत्थर तैरते थे श्रापवश, उन्होंने भी काम किया। और सेतु पूरा होते होते भी उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पता लगा कि पुल का काम पूरा हो गया है। उन्होंने सोचा इस पहाड़ को ले जाके क्या करेंगे, वहीं रख दिया। लेकिन पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था, उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान जी से कहा, भक्तराज मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान राम की सेवा से वंचित हो रहा हूं, मुझे यहां मत छोड़ो, चल के भगवान के चरणों में रख दो। अरे पृथ्वी पे स्थान न हो तो समुद्र में ही डुबा दो, भगवान के काम आओ तो जीवित रहना अच्छा, नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ है। हनुमान ने कहा, हे गिरिराज, आप वास्तव में गिरिराज हैं, आपकी अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत न लाए। मैं विवश हूं लेकिन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, जैसी भी आज्ञा देंगे मैं तुम्हें आके बता दूंगा। हनुमान भगवान के पास गए, उन्होंने उनकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, अरे वो पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है, जाकर उससे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर ब्रज जनों की रक्षा करूंगा। देखिए त्रेता में ही द्वापर की बात आ गई थी, भगवान की प्लानिंग कितनी जबरदस्त रहती थी कि उस पर्वत से कह दिया कि भैया हम द्वापर में मिलेंगे। हनुमान जी ने ब्रजभूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का संदेश कहा। हनुमान जी की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। हनुमान जी को सभी तरफ
भगवान राम के दर्शन होते थे। सुबेल पर्वत पर भगवान प्रणशैया पर लेटे हुए थे। सुग्रीव की गोद में उनका सिर था। अंगद हनुमान चरण दबा रहे थे। धनुष और तरकश अगल बगल रखे थे। लक्ष्मण पीछे की ओर वीरासन में बैठकर भगवान को देख रहे थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखकर पूछा, भाई अपने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम लोग बताओ कि ये चंद्रमा में श्यामता कैसी है। सुग्रीव, विभीषण, अंगद सभी ने अपने अपने भाव के अनुसार उसके कारण बताए। सबसे पीछे हनुमान जी ने कहा, भगवान चंद्रमा आपका सेवक है और आपका भी उस पर अनंत प्रेम है। वो आपको अपने हृदय में रखता है और आप उसके हृदय में रहते हैं। बस आप ही चंद्रमा के हृदय में श्याम सुंदर के रूप में दिख रहे हैं। भगवान हंसने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विदूर बसती मोह श्यामता आभास। हनुमान को तो सर्वत्र भगवान राम के दर्शन होते। चंद्रमा में उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। कितने ही राक्षसों का वध हुआ। समय समय पर सभी ने राम लक्ष्मण विभीषण जा भगवान सभी की सहायता की। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी। मेघनाथ और उनके समान अनेक सैनिकों ने मिलकर सोचा कि मैं लक्ष्मण को जमीन से उठा ले चले, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। लक्ष्मण को जमीन से उठा न सके। हनुमान ने उन्हें अनायास ही उठा लिया और राम के पास ले आए। राम शोकाकुल हो गए। जाम्बवान ने बताया कि लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं, ये अभी आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं। अब देखिए, सुषेण को हनुमान जी उठा लाए। उन्होंने देखा, बताया कि द्रोणाचल से आज रात भर में अगर दवाइयां आ जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। हनुमान ने प्रभु राम का स्मरण करके द्रोणाचल की यात्रा की। ये समाचार रावण को मिल गया था। उसने कालनेमी नामक दैत्य से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि हनुमान को मार्ग में ही अधिक समय लग जाए और वे सूर्योदय के पहले यहाँ लौट न सके। कालनेमी ने ऋषियों का वेश बनाकर हनुमान को भुलावे में रखना चाहा, परंतु मायापति के दूत पर किसकी माया चल सकती है। देव योग से हनुमान को पता चल गया और उन्होंने उस बनावटी ऋषिराज को मृत्यु की गुरु दक्षिणा देकर आगे की यात्रा प्रारंभ की। द्रोणाचल पहुंचे। रात में औषधियों को पहचान नहीं पाए, शायद औषधियों ने अपने आप को छिपा लिया था। अब हनुमान जी विलंब करना तो जानते नहीं थे, रातों रात उन्हें लंका पहुंचना था। उन्होंने पूरा द्रोणाचल ही उखाड़ लिया और चलते बने। अब देखिए, लौटते में अयोध्या उनके मार्ग में पड़ती थी। भरत ने दूर से देखकर सोचा कि ये तो कोई राक्षस है और उन्होंने एक हल्का सा बाण चला दिया। बाण लगते ही राम 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 कहते हुए हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े। उनके मुंह से राम राम सुनकर भरत आए और बड़ी चेष्टा करके उन्हें जगाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, यदि मेरे हृदय में राम की सच्ची भक्ति हो तो यह वानर अभी जीवित हो जाए। हनुमान जी उठकर बैठ गए, सारी कथा सुनाई। भरत ने उनसे क्षमा याचना की और हनुमान को बाण पर बैठकर जाने के लिए कहा। हनुमान ने कहा, प्रभु द्रोणाचल ले जाना है। बस द्रोणाचल लेकर लंका पहुंच गए। राम बड़े व्याकुल थे। हनुमान जी के आते ही हृदय से रगा लिया। सुषेण ने औषधियां ढूंढ के उपचार किया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। सभी और हनुमान जी की कीर्ति गाई जाने लगी। सुषेण को उनके घर सहित हनुमान यथा स्थान पर रखा है। बोलो बजरंग बली की जय, यावर रामचंद्र की जय। रात का समय था। हनुमान जी पहरा दे रहे थे। अहिरावण विभीषण का भेष बनाकर आया।
हनुमान जी ने बुलाया, पूछा क्यों भैया इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? बोले भगवान की आज्ञा से संध्या करने गया था, आने में देर हो गई इसलिए उन्होंने मुझे शीघ्र बुलाया है। सबके सो जाने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को कंधे पर लेकर भाग गया। अब भगवान को भला कोई कैसे अपहरण कर सकता है, लक्ष्मण जी तो कभी सोते ही नहीं थे। परंतु तो प्रभु को जब अपने भक्त की महिमा प्रकट करनी होती है तो साधारण मनुष्यों की भांति ही व्यवहार करते हैं। आज हनुमान जी की लीला महिमा प्रकट करनी थी तो चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़ी सेना में बड़ा कोलाहल मचा, सभी सेना व्याकुल थी। हनुमान जी ने घटना सुनाई। विभीषण ने कहा, यह तो अहिरावण की माया है और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, वो चाहे जितना बलवान हो, कहीं भी रहता हो, मैं जाऊंगा उसका वध करके प्रभु को लेके आऊंगा। हनुमान जी ने यात्रा की और उन्हें देवयोग से मार्ग में कुछ ऐसी घटना घटी कि अहिरावण उन्हें नागलोक में ले गया है। ये बात मालूम हो गई। हनुमान जी ने महामहल में प्रवेश करने की चेष्टा की, परंतु मकर ध्वज ने रोक दिया। उसने कहा, तुम कौन हो जी? जानते नहीं, मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ। चोरी से जाना चाहोगे तो लोहे के चने चबवा दूंगा। हनुमान जी बोले, भैया मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, तुम कहाँ से टपक पड़े? मकर ध्वज ने कहा, जब आप लंका जला के समुद्र में स्नान कर रहे थे तब एक मछली आपका पसीना पी गई थी, उसी के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ। हनुमान ने उससे राम लक्ष्मण का पता पूछा। कहा, मैं ये तो सब नहीं जानता। आज मेरे स्वामी किसी की बलि दे रहे हैं और वहाँ किसी को जाने की आज्ञा नहीं है, मैं आपको भी नहीं जानता। बड़ा युद्ध हुआ, आखिर में हनुमान जी ने उसको उसी की पूंछ से बांध दिया और मंदिर में घुस गए। चरणों का स्पर्श करते ही भू देवी जमीन में धस गई और वे मुंह बनाकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों ने समझा कि देवी प्रकट हुई है। बड़ी पूजा की गई, फूल माला अन्न वस्त्र जो भी आता मुंह में रखने लगी। बलिदान के समय राम और लक्ष्मण लाए गए। उस समय राक्षस उनसे अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे थे, भांति भांति से तंग कर रहे थे, लेकिन दोनों भाई चुपचाप थे, सह रहे थे। अहिरावण ने कहा, अब तुम लोग अपने रक्षक का स्मरण करो। भगवान ने कहा, देखो कहीं तुम्हारी देवी तुम्हें खा न जाए। वो इन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हनुमान गर्जना करके भगवान के पास पहुंच गए और दोनों कंधों पर बिठाकर उन्होंने अहिरावण के हाथ से खड्ग छीन लिया। अहिरावण और राक्षसों का संहार करके हनुमान भगवान को वापस शिविर में ले आए। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहते। दिन भर कभी भगवान राम के पास और कभी दूर रह के युद्ध किया करते थे और रात में भगवान के चरण दबाते, उनसे धर्म प्रेम की ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी क्या प्रायः ही भगवान उनके शरीर पर अपने कर कमल फेर देते और उनकी सब थकावट मिट जाती। जब भगवान राम सो जाते तब वे अपने लंबे लंगूर की चार दीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर पहरा देते। प्रातःकाल होते न होते फिर युद्ध, कोई कठिन काम आ पड़ता तो जाम्बवान सुग्रीव अंगद सभी हनुमान जी को ही बुलाते थे। रावण से युद्ध करते समय हनुमान ने एक ऐसा घूंसा जमाया कि वो बेहोश हो गया और होश में आकर हनुमान जी की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि जीवन भर मैं ऐसे वीर से मेरा कभी पाला नहीं पड़ा। बात यह थी कि रावण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अपने पुत्र मेघनाथ की भांति रावण ने भी चाहा था कि मैं इन्हें उठा के ले चलूं, सारी शक्ति लगा दी पर लक्ष्मण नहीं उठे। यह देखकर हनुमान जी दौड़े, रावण के बाणों से सारा शरीर छिद्रित हो जाने के बाद भी लक्ष्मण के पास पहुंच गए और रावण को एक घूंसा जमाया और लक्ष्मण को फूल के समान उठाकर राम के पास ले आए। राम ने हनुमान का आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम तो काल के भी महाकाल हो, देवताओं की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो, फिर मूर्छा कैसी? राम की बात सुनते ही लक्ष्मण उठ बैठे और फिर दूने उत्साह से रणभूमि में गए।
हनुमान जी के साहस से इतना बड़ा संकट पल भर में टल गया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम विजयी हुए। अब सीता के पास विजय का संदेश लेके कौन जाए? हनुमान जी को बुलाया, जाओ भाई सीता जी के पास जाओ, सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना और रावण के वध की बात कहना, सीता जी जैसे प्रसन्न हो वैसी ही बात उनसे कहना। सीता जी के पास पहुंच गए, सारा वृत्तांत सुनाया। बोली बेटा मैं ये समाचार सुनकर कुछ न बोल सकी, इसे अन्यथा मत समझना, इससे बढ़ के सुखद संवाद तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकता। इस समय मैं पूरे त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति समय समस्त ऐश्वर्य दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे, मैं तुम्हारी ऋणी ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता तुम्हारे अतिरिक्त तो और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बातें कहे? मेरे हृदय में आप दोनों की छवि बनी रहे, मैं हमेशा आपकी छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़ के और यही है ही क्या जो आप मुझे देंगे? आप आज्ञा करें, मैं क्या कर सकता हूं? मां ने कहा, मैं राम के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुक हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, अब एक क्षण भी विलंब नहीं सहा जाता। तुरंत वहां से यात्रा किए, भगवान के पास पहुंच गए। माता सीता की प्रसन्नता और दर्शन की उत्कंठा भगवान को सुनाई। भगवान श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता जी को ले आओ। अब भगवान राम सीता लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या लौटे और प्रयाग में हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान अब तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा, उन्हें मेरा समाचार सुना और शीघ्र ही मेरे पास आ गए। हनुमान जी ने अयोध्या पहुंचकर भरत को देखा, वे जटा का मुकुट बांधे थे, कुशा के आसन पर बैठे थे, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से निरंतर राम 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 निकल रहा था। हनुमान जी पहुंचे, उन्होंने पूरा भगवान का वृत्तांत सुनाया। भरत ने कहा, भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई मैं तुम्हें क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य और कौन सी वस्तु है? तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। उनके चरणों में हनुमान जी गिर पड़े और बताया, भगवान राम आपको सदैव याद किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान जी वहां से विदा हो गए। अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, बहुत बड़ा समारोह हुआ। भगवान राम ने अपने हाथों से सभी सुग्रीव विभीषण आदि को बड़े बहुमूल्य रत्न मणि वस्त्र आभूषण दिए, पर उन्होंने न जाने क्या सोचकर हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। देखिए बड़ी मजेदार बात है, और सभी सोच रहे थे कि यार हनुमान जी को क्यों बुला दिया? भगवान सब जान के भी चुप थे, और सीता मैया भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। सीता मैया ने अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर हनुमान को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे, हनुमान जी ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। लेकिन ये क्या, दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर देखने लगे। हनुमान जी ने माला का एक एक दाना उठा के उसे तोड़ के फेंकने लगे। पता नहीं कितने दाने फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सीता जी थोड़ी गंभीर हो गई। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भी चकित हो गए कि यार ये क्या कर रहा है? अरे भैया हनुमान क्या कर रहे हो, इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में मत मिलाओ। और किसी ने दबी जुमान से कह दिया, आखिर है तो बंदर, इन्हें क्या मालूम मणियों का क्या मूल्य होता है।
जब बहुत लोग नाराज होने लगे तो हनुमान जी ने कहा, भैया आप लोग क्यों नाराज हो रहे हो, मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूँ, इसमें बड़ी चमक है, बड़े दाम में बिक सकता है, संभव है बड़े दाम में कोई खरीद भी ना सके, इतना बड़ा कीमत, इतनी बड़ी कीमत होगी, इनसे सुंदरता बढ़ सकती है, पर क्या ये सब बातें ही महत्व की द्योतक हैं? नहीं, मैंने महत्व की कसौटी को जो कुछ समझी है वो ये है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान राम के दर्शन नहीं होते वो वस्तु मेरे लिए बेकार है, वही वस्तु महत्वपूर्ण है जिसमें मुझे राम के दर्शन हो। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं कि नहीं, और इसकी चमक दमक तो मुझे अंधकार में ही मालूम, इससे मेरा क्या मतलब है, ये मेरे किस काम की, न तो ये कहते हैं टूटना ही है छूटना ही है, मैंने तोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया। अब हनुमान जी की बातें बहुतों को तो समझ में आ गई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी, उन्होंने पूछा तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है, यदि है तो दिखाओ और नहीं तो तुमने हृदय भार को क्यों ढो रखा है। हनुमान ने कहा निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान है, वैसे ही है जैसे तुम सामने देख रहे हो, दोनों हाथ छाती पर लगाए और अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान है। बोलो सिया भर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोग महिमा गाने लगे, भगवान ने सिंहासन से उठकर उनका आलिंगन किया, उनका उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्ष स्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया था। सीता माता मंद मंद मुस्कुराने लगी थी। अब दो चार छोटी छोटी बातें आती कि हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, और फिर दोनों के प्रेम का क्या कहना, हजारों दास दासियां थी सेवा करने के लिए, उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से उन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने का सोचा, अनेकों 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, हनुमान भोजन करने बैठे, माता के हाथ की कितनी स्वादिष्ट रसोई होगी, हनुमान खाने लगे, पता ही नहीं चला कितना खा गया, सारा भोजन समाप्त होने पे आ गया, लेकिन भगवान हनुमान जी का पेट नहीं भरा। माता सीता उनके इस कृत्य से बड़ी चकित होकर, निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर भगवान भोजन कर रहे हैं, प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए, और इस प्रकार स्वयं माँ सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। बोलो सिया भर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भक्तों, हनुमान जी की दिव्य कथा के इस तीसरे भाग में आपका और मेरा साथ यहीं तक का वाणी को विश्राम दूंगा, और चौथे और अंतिम भाग में हम फिर प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम देता हूँ।